हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बिटर स्वीट ब्लॉग। आज मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आई हूँ, द लिविंग एलोन डायरीज। तो डिले नहीं करके लेट्स गेट स्टार्टेड। आज ट्यूसडे है और ये एक वीकडे है मेरे जिंदगी में। तो मैं पहले जो उठ के करती हूँ वो है कि मैं थोड़ा सा खाना वाना चढ़ा देती हूँ क्योंकि टाइम नहीं रहता है। फिर मेरा योगा क्लासेस रहता है, मैं थोड़ी रेस्ट करती हूँ, नहाने के बाद थोड़ी रेस्ट करती हूँ, फिर खाना खाती हूँ, फिर मेरे योगा क्लासेस रहता है, फिर मैं लॉगिन करती हूँ। लॉगिन करके मैं 2 बजे तक काम करती हूँ। इन बिटवीन मैं अपने डॉगी का ख्याल रखती हूँ और मेरा आज एजेंडा यही है कि मुझे वैक्यूम करना है घर में, क्योंकि घर बहुत गंदा हो गया है, बहुत डस्ट हो गया है। एंड मैं इंडस्ट्रियल एरिया में रहती हूँ फरीदाबाद में, तो यहाँ पे बहुत डर्ट एंड डस्ट बहुत होता है। उसके बाद मेरे डॉगी का बाल भी बहुत है, तो ये सब मुझे साफ़ करना है और क्लीन भी करना है, मतलब पोछा भी लगाना है। खाने में आज मैं बनाऊंगी ब्राउन राइस और उसके साथ सोची हूँ कि मलाई कोफ्ता बनाऊंगी। वो बनाने का प्रोसेस मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मैं बड़ा टेंशन में रहूँगी, मेरे से गलती हो जाता है। तो बनाने के बाद मैं आप लोग को शो करूँगी दिखने में कैसा रहेगा, आप लोग प्लीज़ हमको बोलना। बाकी सब मैं आप लोग के साथ आज पूरा दिन मेरा कैसे जाता है मैं शो करूँगी। और ये देखिए, ये सब मेरा मुंह में फ्रेश निकला है क्योंकि मैं थोड़ा पार्लर गई थी आईब्रोज करने के लिए। वहाँ पे जाने के बाद एज़ यूजुअल पार्लर की दीदीज़ बोली कि आपके फेस में बहुत गंदगी है, आपका फेस अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत मार्क्स हो गया है। तो बहकावे में आके मैंने थोड़ा सा अपना फेस में क्लीन अप करवाई। वो करने के बाद से मेरा होंठ के ऊपर, मेरा चिन में सब जगह पिम्पल्स निकल रहा है, मतलब ये इतना दर्द है पिम्पल्स में, मैं क्या बोलूँ। ये चीज़ मैं हमेशा करती हूँ गलती कि हमेशा जब भी मैं पार्लर जाती हूँ, जाने के बाद दोज पीपल विल से समथिंग विच विल अफेक्ट मी एंड आई विल गिव माई फेस इन देयर हैंड्स एंड दिस विल बी कम्प्लीटली डन, मतलब और स्पॉयल हो जाता है। तो इतना सारा पिम्पल्स मेरा निकल रहा है, ऑलरेडी पिम्पल्स का मार्क्स है, पिम्पल्स निकला हुआ है। आई एम विदाउट मेकअप, आई हैव नॉट पुट ऑन एनी मेकअप राइट नाउ, तो इसमें कवर नहीं की हूँ, ऑलरेडी मेरा फेस में मार्क्स एंड सब कुछ है, उसके ऊपर और मुझे नहीं चाहिए, बट वो हो जाता है क्योंकि मैं थोड़ा पार्लर गई थी। आज मैं आप लोग को शो करती हूँ कि वेदर कैसा है। अभी फरीदाबाद में ठंडा हो गया है, फिर से बारिश हो रहा है एंड राइट नाउ इट्स 11:45, बट टेम्परेचर है 17 degrees, मतलब एसी टेम्परेचर है एंड आई लव दिस टेम्परेचर। मतलब आपको स्वेटर पहनने का ज़रूरत नहीं है, गर्मी भी नहीं है, पसीना नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है, फ़ैन भी ऑफ है, तो ये टेम्परेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बाहर आप लोग को शो करती हूँ, जियो को भी शो करती हूँ क्या कर रही है। जियो बाहर मुँह निकाल के बैठी हुई है, ये करती रहती है, और ये बाहर जी बिस्कुट खाना है, जी बिस्कुट खाना है। हाँ, तुमको बिस्कुट के नाम पे सब कुछ तुम चाहिए ना। क्या 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 बिस्कुट खाना है, किसी को बिस्कुट खाना है? ठीक है। ये क्या तुम्हारा नया स्टाइल है क्या? हाँ, मतलब पीछे खुजाती रहूँ मैं? हो गया, जाओ 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 जाओ। अच्छा अच्छा, फिर से घूम जाओ घूम जाओ घूम जाओ, उधर घूम जाओ उधर घूम जाओ, चलो घूमो घूमो घूमो। हाँ, कर रही हूँ। क्या हुआ?
आओ इधर। वन ऑफ द डेज मुझे गर्म पानी पीने का मन नहीं कर रहा है तो मैं ये पी रही हूँ, रॉ कोकोनट वाटर। समझ आ गया है तो कोकोनट वाटर अभी बहुत ज़रूरी है, तो अभी से शुरू कर दे रहे हैं पीना। मेरे फेस में इतना कुछ निकला है, मुझे लग रहा है कोकोनट वाटर से ही काम होगा। 200 मिलीलीटर का है, तो मतलब एक नारियल में जितना पानी रहता है उतना ही पानी इसमें है। आजकल नारियल में उतना पानी भी नहीं रह रहा है, मतलब मैं जब बाहर नारियल पीती हूँ तो 2-3 सिप में ख़त्म हो जा रहा है, इतना कम पानी होता है। इधर पानी कम होता है, मीठा बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी बहुत ज़्यादा होता है, मीठा होता ही नहीं है। मैं ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ, इसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट विल बी डन। ड्राई फ्रूट्स मेरा ये है, इसमें मैं मिक्स्ड फ्रूट्स करके रख देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स के इसमें है आमंड्स, काजू, किशमिश, ब्लैक किशमिश, सब मिला के मैं इसको खाऊंगी। एंड इसमें बहुत एनर्जी भी मिलता है, इसके साथ मैं तो डेट्स भी खाऊंगी। मैं पहले झाड़ू ही मारती थी मेरे घर में, बट विंटर सीजन में ऐसा हुआ कि मेरी बेटी का बहुत बाल झड़ना स्टार्ट हुआ था, तो बाल खाने में, मुंह में, कपड़े में, सब जगह पे लग जाता था। जो लोग घर में आए थे उन लोगों को भी प्रॉब्लम होता था, वो मुझे समझ में आता था। तो वी लाइक आई टुक द डिसीजन कि आई शुड बाई अ वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि इससे बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई होता है, बाल एकदम से नहीं रहता है, एंड इट्स रियली हेल्पफुल। सो इसीलिए मैं खरीद ली हूँ। ये इंसाला का है, कोजी प्लस, एंड दिस इज अराउंड 2000 रुपीज ऑनेस्टली। एंड मुझे किसी और का हाथ का काम उतना अच्छा लगता भी नहीं है, वो हमको लगता है कि वो लोग ठीक से साफ सफाई करता नहीं है, पहला बात ये है। सेकेंड बात इस दिस की मैं जियो को बांध के नहीं रखती हूँ, वो कभी टाइड अप नहीं होती है, मतलब उसको हम लगाते नहीं है कहीं पे, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मेरा नेचर के अगेंस्ट है, मैं किसी को टाइड करना पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं उसको खुला रखती हूँ। अब खुला कोई घर में कोई मेड काम करने नहीं चाहते, हाउस हेल्प काम करने नहीं चाहते, क्योंकि सबको डॉग से डर लगता है। एंड मेरी जियो काफ़ी बड़ी है, लाइक शी इज़ अ बिग लैब्राडोर, सो इसीलिए कोई काम करना नहीं चाहते मेरे घर में। ये जगह ठीक करती हूँ, बट फिर भी ये खराब कर देती है महारानी, क्या करूँ इसका। मेरा वर्किंग रूम है, यहाँ पे मैं काम वाम सब कुछ करती हूँ, तो ये रूम में मैं उतना आती नहीं हूँ, सोती नहीं हूँ, बट हाँ शाम में मैं यहीं पे रहती हूँ काम करती जब हूँ। ये भी साफ करना है, एंड ये कमरे में भगवान जी भी है मेरा, यहाँ पे मेरा भगवान जी है, तो मुझे साफ सफाई इस कमरे का भी करना होगा। इस कमरे में उतना लाइटिंग अच्छा नहीं है, क्योंकि काम के लिए यूज़ करते हैं, बस काम करने के लिए ये कमरा में हम आते हैं, तो उतना लाइट मैं इस कमरे में लगाई नहीं हूँ, बट भगवान जी इधर है एंड मैं पूजा वूजा यहीं पे करती हूँ।
आके थोड़ा बैठी मैं, गीजर ऑन कर दी हूँ नहाने के लिए, खाना मेरा बन रहा है, खा के थोड़ा रेस्ट करूँगी मैं, उसके बाद योगा है और उसके बाद मेरा लॉग इन है, तो मैं आप लोगों के साथ शाम में मिलती हूँ। गाइज अभी शाम के बज रहे हैं 6, मेरा लॉगिन का टाइम हो गया है, मैं लॉगिन कर चुकी हूँ। अभी मैं अपने लिए अच्छे से एक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी बनाऊँगी, उसके बाद मैं काम करूँगी 2 बजे तक। तो यही है पीछे, जियो जियो का भी ट्रीट्स चाहिए इसीलिए किचन के पास घूम रही है। तो आज का जो व्लॉग है वो यहीं तक है, फिर से मैं नया आप लोग के लिए व्लॉग लेके आऊँगी। अभी के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग से आप लोगों से फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।